नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में प्रचार के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार शाम को फिल्म द केरला स्टोरी देखी। अब उन्होंने तमाम मीडिया से बात करते हुए उस दौरान इस फिल्म का रिव्यू कर दिया। उन्होंने कहा कि केरल में धर्म परिवर्तन एक आतंकवाद है। हालांकि बीजेपी इस पर तमाम तरीके की वार कर रही है और केरल स्टोरी को लेकर ही तमाम बातें कर रही है। अपने चुनावी प्रचार में इसी फिल्म का जिक्र भी कर रही है, चाहे पीएम मोदी की बात हो या फिर अब जेपी नड्डा की बात हो। जी हाँ, ये एक बहुत ही भयावह आतंकवाद का रूप है, इसमें कोई आवाज नहीं है लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ये जेपी नड्डा का कहना है, जिसका द केरला स्टोरी फिल्म ने पर्दाफाश किया है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि इस फिल्म का संबंध ना ही धर्म से है, ना ही किसी राज्य से है, बल्कि इसका संबंध देश से है। ये एक साफ तौर पर वैश्विक कहानी है, केवल भारत ही नहीं, यह और भी तमाम देशों में हो रहा है। युवाओं को पहले आकर्षित किया जाता है, बाद में उन्हें धकेल दिया जाता है। केरला स्टोरी इन सभी मुद्दों को बहुत अच्छे से एक्सपोज करती है। फिल्म ने समाज में जागरूकता लाने का काम किया है, ये एक आई ओपनर स्टोरी है। साफ तौर पर SGPI की तरफ से कांग्रेस के समर्थन और आपसी गठ और सांगाठ के सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि PFI और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, देश इनके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी इनके लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स है। जी हाँ, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि PFI पर बैन भारत सरकार ने ठोस सबूत के आधार पर किया। हम देश की अखंडता के लिए काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सोच है देश चाहे खंडित हो जाए लेकिन उन्हें वोट मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आरोप के सवाल पर नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि आपने जिस तरह से तुष्टिकरण किया है, उस तुष्टिकरण का नतीजा ही उन्होंने पूछा कि PFI के लोगों को किसने छोड़ा था। इस तरह की राजनीति करने वाला हमारा संविधान में आर्टिकल 44 में बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा, फिर भी ये संविधान विरोधी बात करते हैं। द केरला स्टोरी केरल की 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों की कहानी है जिन्हें कथित तौर पर लव जिहाद में फंसाया गया। फिल्म के निर्माता ये दावा कर रहे हैं कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वहीं इसका विरोध करते हुए कहा जा रहा है कि इसमें एक से दो घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की गई है। इस फिल्म को लेकर राजनीति जारी है। ऐसे में कर्नाटक में चुनाव है, चुनावी रैली निकाली जाती है, चुनाव जिस तरीके से प्रचार में लगे हुए हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां, और ऐसे में इस फिल्म का रिलीज होना और उसके बाद इस पर राजनीति होना तमाम सवाल खड़े कर देता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।